अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ चूज़े जब आप करवाते हैं तो उसमें कुछ चूज़े बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं और कुछ चूज़े हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या होती है और क्यों नहीं कर पाते और आगे ग्रोथ कैसे कर सकेंगे, यही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस मुर्गी के साथ इस वक्त 18 चूज़े हैं, 18 चिक्स इसके साथ हैं ये। ठीक है, और माशाल्लाह सब बहुत अच्छी ग्रोथ में हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप देख सकते हैं कोई भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपसेट नहीं है। ठीक है, सारे चूज़े बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हैं। इनमें एक चूज़ा ऐसा है, ये बच्चा कुछ ऐसा है जो ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दूसरे बहन भाई इसके देखें बहुत अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं, बहुत ताकतवर हो गए हैं, और ये बच्चा जो है ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं कर रहा है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एक्चुअली इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसका हाजमा सही नहीं है, इसका हजम का जो निज़ाम है वो इस वक्त सेट नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें ये करना है कि सबसे पहले इसका हजम सेट करना है, और उससे भी पहले हमें ये करना है कि जो इसके पर बड़े हो गए, इसकी बॉडी छोटी रह गई है और इसके पर देखेंगे कितने बड़े हो गए। ये देखेंगे इसके पर बॉडी से भी बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उस इंसान को ये कहता है कि सबसे पहले इस बंदे को इस बीमार को आप गंजा करवा दें। ठीक है, गंजा करवाने का रीज़न ये होता है कि बाल जो होते हैं ना, बाल वो इंसान का खून पीते हैं, खून चूसते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन चूज़ों के, इन परिंदों के जो पर होते हैं उनसे पलते हैं। तो अब इसकी जो जान थोड़ी बहुत अगर ये खा रहा है, हल्का फुल्का जो खा रहा होगा वो इसके कहीं वो ये पर इसकी जान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम मुझे इसके सबसे पहले इसके पर कट करने हैं। ठीक है, पर कट करने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद जो मैं इसको दूंगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि आपने फिर उस चूज़े को क्या देना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं इस चूज़े के पर काटता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, तो ये वो चूज़ा है जो अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया। ठीक है, जो कमज़ोर रह गया है, अब इसमें कमज़ोरी सिर्फ ये इतनी है कि इसका हजम सही नहीं है। ठीक है, ये इसके पर देखें, ये इतने बड़े हो गए हैं कि इसकी बॉडी से बाहर आ गए, ये देखें, और ये पर कहीं इसके अब ये खून चूस रहे हैं। ठीक है, अब पर आपने कैसे काटने हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। पर काटते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पर के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर गोश्त होता है। ठीक है, इस जगह पर गोश्त पर कटना है, आपने इस तरीके से कट कर तार कोई सीजर लें। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कोई और आपके साथ हो, मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस है तो मैं बहुत ईजी है ये, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कोई और पकड़े और फिर आप ये कट करें। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से ऐसे पर खोलें इसके और बहुत आसानी से ही कट हो जाएंगे। देखें ये, ठीक है, और इसकी शेप बना दें थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, गोश्त पर किसी किस्म का कट नहीं है। जी दोस्तों, तो ये इसके पर कट हो चुके हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इस गोश्त से दूर हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये गोश्त पे किसी किस्म का कोई कट नहीं है। ठीक है, आपने भी यही करना है। अब इससे इसका खून बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, जो भी ये खाएगा, हल्का फुल्का जो भी खाएगा वो इसकी बॉडी पर ही लगेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये एक चीज़ कट हो गई है। जी दोस्तों, ये पर काटने के बाद, ठीक है, आप देखें अगर वो चूज़ी होगी, अगर वो मुर्गी होगी चूज़ी, तो चूज़ी के यहाँ से दुम भी निकलती है। ठीक है,
इस दुम को आपने ऐसे करना है कि उस दुम को भी हल्का हल्का काट कट करना है, ठीक है। लेकिन ये चूज़ा इसलिए इसके अभी तक दुम नहीं आई है, आपने ये पर कट करके दोनों तरफ के, ठीक है। उसके बाद आपने तीन दिन तक कम अज़ कम तीन दिन तक आपने चूज़े को पानी में फ्लैजिल पिलाना है, ठीक है। फ्लैजिल सिरप आप पानी में मिलाकर चूज़े को दें, ठीक है। सबको दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो जनरल पानी आप सब चूज़ों को दे रहे हैं, आप उसी में ये चीज़ भी दें मिलाकर। इससे इसका पेट, इसका हजम सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बल्कि बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, जो डिफिशेंसी इसकी बॉडी में आ गई है, वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा, लाइसोविट सिरप आप उसी पानी में, ये साथ मिलाकर आप दे सकते हैं, एक ही पानी में लाइसोविट सिरप और ये, वो इसका हाजमा सही करेगा और ये सिरप इसकी ताकत बहाल करेगा, ठीक है। फाइजर कंपनी का लाइसोविट सिरप बेस्ट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने ये दो सिरप याद रखने हैं, ये दो सिरप प्लीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो भी नए व्यूवर्स हैं, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।